मैरीगोल्ड फ्लावर का प्लांट आप अपने घर में कैसे लगा सकते हैं, उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं और उस पर ढेर सारे फूल कैसे पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लांटेशन में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गेंदे के फूल कैसे उगा सकते हैं, उस पर ढेर सारे फूल कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारी अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पॉट। यहां पर मैं एक प्लास्टिक का छोटा पॉट यूज़ कर रहा हूं। और सॉइल चाहिए होगी थोड़ी सी, और आपको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स चाहिए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप पॉट कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक का छोटा पॉट यूज़ कर रहा हूँ। आप सीमेंट का पॉट भी यूज़ कर सकते हैं और बड़ा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें पहले से ही होल्स बना के रखे हुए हैं। और जो मैं यहाँ पर सॉइल यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें मैंने पहले से ही डिकम्पोज मिक्स किया हुआ है। और जो फ्लावर्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सो फ्रेंड्स, आपको ये किसी भी गेंदे के प्लांट से मिल सकते हैं, जो प्लांट मैच्योर हो और उसके जो फूल हैं वो सूख गए हों। तो हम सूखे हुए फूल यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड पॉट में मैंने पहले से ही होल करके रखे हुए हैं और इन होल्स को मैं कवर कर दूंगा ताकि जो हमारी जो सॉइल है वो इस पॉट में से बाहर ना निकले। और यहाँ पर मैं पॉट के अंदर जो सॉइल है वो उसको डाल दूंगा। अगर आपको मैरीगोल्ड के सीड्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में जो पूजा के लिए फ्लावर्स जो आते हैं, जो माला आती है फूलों की, उसे आप सुखा करके उनके फ्लावर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। आप एक फूल की माला लेके आ सकते हैं और जो फूल हैं उनको सुखा करके 3 से 4 दिन तक उसको सुखा दीजिए। और जो उनके फ्लावर्स जो सूखने के बाद ऐसे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, इनको ऐसे अलग अलग कर लीजिए और इनका पूरा मिक्स करके अपने पॉट में डाल दीजिए। तो आपको फ्लावर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। और हम एक मैरीगोल्ड के फ्लावर से कम 20 से 25 प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैरीगोल्ड भी कई तरह के होते हैं। ये सीजनल वाइज होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल भर हम उनको ग्रो कर सकते हैं, उनको सीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न के फ्लावर्स उगाना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे सूखे हुए फ्लावर्स थे उनको हमने ऐसे पूरा फैला करके एक पॉट के अंदर डाल दिया है। और ऊपर से सॉइल का जो मिक्सचर है वो हमने एक ऊपर से एक छोटी सी लेयर से उसको कवर कर दिया है। एंड याद रहे कि जो हम फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से सूखे होने चाहिए। अगर फ्लावर्स हमारे गीले होंगे या ताज़ा होंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रहे कि हमारे जो फ्लावर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरी तरह से सूखे हुए हों। एंड पानी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ऊपर से इतना पानी डालें कि हमारी जो सॉयल है वो पूरी नीचे तक गीली हो जाए। एंड पानी डालने के बाद इसे सनलाइट में ना रखें, इसे डार्क प्लेस पे रख दें। कुछ दिनों के बाद हमारे मैरीगोल्ड के सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। एंड आप देख सकते हैं कि हमने जो मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स लगाए थे छोटे छोटे से, उसमें से कुछ ही पौधे जर्मिनेट हुए हैं। और अराउंड हमारे पास यहाँ पर 7 के अराउंड हमारे पास प्लांट हमें मिल गए हैं। तो दोस्तों, इन्हें आप प्रॉपर सनलाइट में रखें, डार्क में बिल्कुल भी ना रखें। 15 दिनों के बाद हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट लगभग इतना बड़ा हो गया है। एंड मैंने बाकी की जो प्लांट्स है वो अलग पॉट में शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि एक बहुत छोटा पॉट है और यहाँ पर सिर्फ 2 प्लांट मैंने रहने दिए हैं। तो आप इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए और इसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी लगाते रहिए। ये लगभग 25 दिन के बाद का अपडेट मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड पे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी छोटी छोटी कलियाँ हैं और लगभग इस पे 10 से 12 कलियाँ अभी आ रही हैं। तो हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट ग्रो कर रहा है, इसे प्रॉपर सनलाइट में रखिए और अगर पॉसिबल हो तो 15 से 20 दिन में इसमें खाद ज़रूर लगाइए और इसकी केयर ज़रूर करिए। तो फाइनली हमारे मैरीगोल्ड पे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये अपडेट लगभग 1 महीने बाद का मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
और जो हमारी छोटी छोटी कलियाँ थी वो अब थोड़ी थोड़ी खिलने लगी हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैरीगोल्ड का फ्लावर है वो ग्रो कर रहा है। एंड याद रहे कि आपने पानी तभी लगाना है आपके प्लांट में जब आपको लगे कि जो उसकी सॉइल है वो ऊपर से थोड़ी थोड़ी ड्राई होनी स्टार्ट हो गई है। उसको ज़्यादा पानी ना लगाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी आप लगाएंगे तो आपका प्लांट मर भी सकता है और हो सकता है कि उस पर फ्लावर भी कम आए। एंड मैंने इसमें अभी भी पानी लगाया है क्योंकि इसकी ऊपर की लेयर थोड़ी ड्राई होने लग गई थी, तो मैंने इसमें पानी लगा दिया है। एंड फ्रेंड्स, ये लगभग 1.5 महीने बाद का अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड पे बहुत सारे फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और वो खिल भी गए हैं। एंड मेरे इस मैरीगोल्ड पे लगभग 15 से 20 फ्लावर्स इस पर आ रहे हैं, और कुछ इसमें भी छोटी छोटी कलियाँ भी हैं, और इसमें कुछ हैं जो कि खिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मैरीगोल्ड का फ्लावर आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और ग्रो कर रहा है। एंड मैंने एक छोटा पॉट यहाँ पर यूज़ किया था, तो आप एक बड़ा पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, और जितना बड़ा पॉट यूज़ करेंगे आप उतना आपका प्लांट उतना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। एंड मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे मैरीगोल्ड के भी अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, उन पर अलग अलग कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये एक दूसरी तरह का प्लांट है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड इसकी जो कंडीशन है वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोइंग कंडीशन में है हमारा ये प्लांट। एंड आप देख सकते हैं कि इस पर भी बहुत सारे फ्लावर्स हमारे खिले हुए हैं, अराउंड लगभग इस पर 30 से 35 फ्लावर्स इस पर भी आ रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा प्लांट्स में कीड़े लगने का डर होता है, तो आप अपने प्लांट को कीड़े लगने से बचाएं और कीटनाशक यूज़ करें। और जब भी आप पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं सॉइल का, तो उसमें नीम की खली ज़रूर ऐड करें और उसमें कीटनाशक ज़रूर ऐड करें। एंड आप भी अपने घर में ये ट्राई कर सकते हैं, मैरीगोल्ड का प्लांट लगा सकते हैं और उस पर ढेर सारे फूल पा सकते हैं। तो आई होप कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँ।